आज मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे ब्लो ड्राई कर सकते हैं खुद से, और उससे ब्लो ड्राई करने के बाद जो बाल होते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, ब्लो ड्राई और फ्लैट आयरन में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो एकदम फ्लैट आयरन जैसा इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लो ड्राई से बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो कैसे इसे करना है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे हेयर हैं वो फ्रेशली वॉश्ड हैं और अभी फ्रेशली सूखे हैं, तो जो फ्रेशली वॉश्ड हेयर होते हैं ना उनमें जो ब्लो ड्राई या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं सबसे पहले बालों को कोम कर ले रही हूँ, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेरम। यहाँ पे मामाअर्थ का अनियन हेयर सेरम है, आप कोई भी हेयर सेरम लिवॉन या फिर स्ट्रीक्स का कोई भी सेरम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा हाथ पे लिया है और बस दोनों साइड हम बालों में पहले सेरम लगा लेंगे। तो फिंगर की मदद से बस आपको ऊपर से लेके नीचे तक थोड़ा थोड़ा सा बालों में लगाना है। और ये मैं कल ही जल गई थोड़ा सा तवे से, काफ़ी बड़ा मार्क आ गया। और अब मैं लगा रही हूँ दूसरी साइड भी हेयर सेरम। तो सेरम से क्या होता है कि बाल थोड़े से मॉइस्चराइज और ड्राइनेस नहीं रहेगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये टोनियन गाय का हीट प्रोटेक्शन मिस्ट है, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है एंड वेरी नाइस मिस्ट। अगर आप कोई हेयर मिस्ट लेना चाहते हैं या हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे लेना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है, एंड बहुत महंगा नहीं है, 600 समथिंग के आसपास है, लेकिन बहुत अच्छा है, काफ़ी दिन चल जाता है। तो बस मैं इसको पूरे बालों में लगा ले रही हूँ, एंड इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बालों में बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। तो बस पूरा डाल लिया है और फिर हम बालों को कोम कर लेंगे। और अब मैंने बालों को पार्ट्स पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक साइड के बालों को रैप करके तो क्लचर से दबा दीजिए। हम एक साइड पहले एक साइड पूरा करेंगे अपन, तो पीछे के बाल से स्टार्ट करेंगे और आगे के बालों को हम टाई कर लेंगे। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ VNG का 3100 ये ब्लो ड्रायर है। इसमें दो स्विचेस हैं, एक तो रेड कलर का जो वो हीटिंग करता है और दूसरा जो ब्लैक है वो स्पीड के लिए है। 1, 2, 3 स्पीड है, और जो हीटिंग है वो भी 1, 2, 3, मतलब बिल्कुल भी हीट नहीं, ठंडा, फिर थोड़ा गर्म, फिर ज़्यादा गर्म। और इसके साथ ये अटैचमेंट भी दी हुई है, तो इस अटैचमेंट से दो अटैचमेंट्स हैं इसके साथ, ये पतला वाला है, इससे एक थोड़ा सा चौड़ा वाला है। और एक ब्रश लेना है, हेयर ब्रश इस तरह से, और उससे बालों को इस तरह से प्लेस करना है पहले बालों में कोम करके। तो जब ये जो हेयर ब्लो ड्राई अगर बालों को स्ट्रेट करना है तो थोड़ा सा इस तरह से करना होता है, ब्रश से बहुत ईजली हो जाता है। जबकि लोग जैसे आप पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे वो कर्लर यूज़ करते हैं, मतलब वो राउंड वाला कोम यूज़ करते हैं, तो उससे होता है, लेकिन वो खुद अपने पे यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, बट इससे बहुत ईजली हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे प्लेस करना है, फिर उसके ऊपर आपको अपना ड्रायर जो है वो प्लेस करना है, और फिर उसको चला देना है, तो इसे ईजिली आराम से जो घर पे ही अपने आप ब्लो ड्राई हो जाता है। तो दिस इज़ ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप घर पे ब्लो ड्राई करने का, बाल ब्लो ड्रायर से स्ट्रेट करने का। तो बस इसी तरह से मैं एक साइड के बालों को 3 सेक्शन में, अब इस ब्लो ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनिंग, तो अब इसी तरह से मैं 3 सेक्शन में बालों को एक डिवाइड कर दूंगी और एक साइड मेरा पूरा हो जाएगा। तो ब्लो ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनिंग में ये डिफरेंस होता है कि ब्लो ड्रायर से बाल स्ट्रेट तो होते हैं बट उतना हेयर स्ट्रेटनिंग वाला इफेक्ट नहीं आता है, कि एकदम स्लीक स्ट्रेट बाल नहीं होते हैं, बट हाँ स्ट्रेट हो जाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम मे बी वो जो स्ट्रेटनेस है वो थोड़ी कम हो जाए, तो वो रहता है। लेकिन जो आप फ्लैट आयरन से करते हैं तो वो आई थिंक जब तक आप हेयर वॉश नहीं करते हैं तब तक बाल स्ट्रेट रहते ही हैं फ्लैट आयरन से। तो बस यहाँ पे तो ये है पूरा प्रोसीजर, इस तरह से आप इस तरह से हम पूरे बालों को स्ट्रेट कर लेंगे।
अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक लेते हैं एवरीवन।